Hi everyone, this is Aisha. Today I'm out with some useful remedies for dark circles, but before starting, subscribe my channel and tap the bell icon to be the first to receive my video updates. Dark circles ke liye yun to bahut saari remedies hain, but is video mein main very easy and quickly affecting 7 remedies share karungi. So without any delay, let's proceed. Number 1, tomatoes. Tomatoes dark circles removal ke liye bahut effective hai. ये डार्क सर्कल्स भी रिमूव करते हैं और स्किन को भी सॉफ्ट करते हैं. 1 टेबलस्पून टोमेटो जूस और 1 टीस्पून लेमन जूस को मिक्स करके डार्क सर्कल्स पर अप्लाई करें. 10 मिनट्स तक रहने दें और फिर वॉश कर लें. इस मेथड को दिन में 2 दफ़ा रिपीट करें. नंबर 2, ग्रेटेड पोटैटोज. कच्चे आलू को कद्दूकश करके उसे निचोड़ कर उसका रस निकाल लें. अब कॉटन बॉल्स को उसमें डिप करके आइस पर रखें. मेक श्योर दे कवर द एंटायर एरिया ऑफ डार्क सर्कल्स इन द आईलिड्स एज वेल. 10 मिनट तक रखने के बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें. नंबर 3, ग्रीन टी बैग्स. 2 ग्रीन टी बैग्स को पानी में डिबो कर छोड़ दें और थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट करें. अब ग्रीन टी बैग्स को आंखों पर रखें. क्विक रिजल्ट्स के लिए ये रेमेडी डेली बेसिस पर करें. नंबर 4, आमंड ऑयल. आमंड्स में विटामिन ई ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और इसका ऑयल डार्क सर्कल्स रिमूव करने के साथ स्किन को मुलायम भी बनाता है. थोड़ा सा आमंड ऑयल लेके अंडर आईज स्लाइटली मसाज करें. ओवरनाइट रहने दें और सुबह वॉश कर लें. नंबर 5, मिल्क. ठंडे दूध का रोज़ाना इस्तेमाल डार्क सर्कल्स काफ़ी कम कर देता है. कॉटन बॉल्स को एक बाउल में ठंडे दूध में डिप करके डार्क सर्कल्स पर रखें. थोड़ी देर रखने के बाद सादे पानी से वॉश कर लें. नंबर 6, ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस पीना जितना बेनिफिशियल है उतना ही बेनिफिशियल डार्क सर्कल्स पर एप्लीकेशन के लिए भी है. एक बाउल में थोड़ा सा ऑरेंज जूस और ग्लिसरीन के कुछ ड्रॉप्स मिक्स करें. इस मिक्सचर को डार्क सर्कल्स पर लगाएं. इस मिक्सचर की एप्लीकेशन से आइज़ को नेचुरल ग्लो भी मिलता है. नंबर 7, रोज़ वाटर. रोज़ वाटर जो ब्यूटी टिप्स में ऑलराउंडर है, साथ ही साथ डार्क सर्कल्स का भी सोल्यूशन है. कॉटन बॉल को रोज़ वाटर में डिप करके डार्क सर्कल्स पर रखें और 15 मिनट तक छोड़ दें. फिर ठंडे पानी से वॉश कर लें. बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस प्रोसेस को 1 महीने तक रोज़ रात के वक्त अप्लाई करें. सो फ्रेंड्स, ये कुछ रेमिडीज़ थी डार्क सर्कल्स के लिए जो मैंने आपसे शेयर की हैं. ट्राई ज़रूर करें और कॉमेंट्स में बताएँ कि रिजल्ट कैसे रहे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें. Till my next video, take care. Thank you.
हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक मेरी दूसरी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। ये मसला जनरली बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए फिक्र बढ़ती जा रही है कि बेटे बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। तो इसी इशू को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दो वजीफे बता रही हूँ जो बहुत मुजरब है और पर्सनली मेरे आजमाए हुए हैं। इनफैक्ट जितनों को मैंने अब तक बताया है उन लोगों ने अगर सही से अमल किया है तो उन्हें माशाल्लाह फ़ायदा हुआ है। फ्रेंड, साथ साथ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये वजीफे अगरचे कुरान या हदीस से साबित नहीं है लेकिन बुजुर्गान दीन से चले आ रहे हैं और इन पर अमल करने वाले को उसकी नीयत और यकीन के मुताबिक ही फायदा हुआ है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, ये तो हम देख ही रहे हैं कि आजकल ऑलमोस्ट हर घर में ये मसला सुनने में आता है और बहुत सी मदर्स परेशान हैं कि बेटियों की शादी नहीं हो रही या अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। तो इस मसले के लिए मैं आपको आज जो वजीफे बता रही हूँ वो अब तक तो मैं काफ़ी लोगों को यूं ही बता चुकी हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तेज़ी से इनके अच्छे रिजल्ट्स देखने में आ रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि इसे एज अ वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ। हो सकता है मेरी इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। पहला वजीफा रमज़ान की 12वीं शब को पढ़ा जाता है, यानी जिस रात आपने 12वीं तरावी अदा की है उस वक्त तरावी या इशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा। यानी इस रमज़ान के हिसाब से 12वीं शब जो है वो 27 मई संडे को है। इस वजीफ़े को लड़के लड़कियां भी पढ़ेंगे और उनकी मदर्स भी। वजीफ़े का तरीक़ाकार ये है कि इशा की नमाज के बाद 12 रकात 6 सलाम के साथ पढ़ें, यानी दो दो रकात करके। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को 12 बार पढ़ें। इसी तरह पूरी 12 रकात मुकम्मल कर लें। आखिरी सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और अच्छे रिश्ते के लिए खूब दिल लगाकर दुआ मांगें। अगर ये वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ और बिना किसी गलती के पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह ईद तक या अगले रमज़ान तक अच्छा रिश्ता आ जाएगा। दूसरा वजीफ़ा ये है कि लड़का या लड़की ने रोज़ाना रात को सोने से पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 41 बार सूरह इखलास पढ़नी है। 41 बार। ये वजीफ़ा स्पेशली लड़कियों के लिए है और सिर्फ ज़रूरत रिश्ता के लिए नहीं है बल्कि आम शादीशुदा ज़िंदगी में जो घरेलू मसाइल होते हैं उनके लिए भी ये वजीफ़ा बहुत मुजरब है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इन वजीफ़ों से अगर फ़ायदा पहुँचे तो बदले में मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Hey there everyone, this is Aisha tuning in today with another video. My this video contains 5 effective tips that are surely going to help you out to lighten the dark areas of body. But sabse pehle mera channel subscribe kar lein aur meri koi bhi video miss na karne ke liye bell button pe click karein. Friends, hamare different body parts darken ho jate hain, including neck, underarm, knees, elbow, etc. And solving this problem has always been a big concern. So here are the solutions. Number 1, olive oil. 1 tablespoon olive oil, 1 tablespoon namak aur 1 tablespoon baking soda mix karein aur affected area par apply karke 20 minutes tak chhod dein. Phir thande pani se wash kar lein. Number 2, turmeric powder. 1 tablespoon haldi, 1 टेबलस्पून दही और थोड़ा सा लेमन जूस मिक्स करें और डार्क एरियाज पर अप्लाई करें। थोड़ी देर बाद वॉश कर लें। नंबर 3, पोटैटो। आलू की थिक स्लाइस काट कर अफेक्टेड एरियाज पर रब करें। आलू का रस निकाल कर अंडर आइज लगाना डार्क सर्कल्स के लिए भी अब बहुत इफेक्टिव है। नंबर 4, वाइट टूथपेस्ट। कोई भी वाइट टूथपेस्ट लेकर डार्क एरियाज पर अप्लाई करें, थोड़ी देर रहने दें और ठंडे पानी से वॉश कर लें। नंबर 5, ग्राम फ्लोर या बेसन।
दो टेबलस्पून बेसन, एक टेबलस्पून दही, एक टेबलस्पून लेमन जूस और एक पिंच हल्दी को मिक्स करके अफेक्टेड एरियाज पर अप्लाई करें। 15 मिनट्स तक रहने दें और फिर वॉश कर लें। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। इन टिप्स को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में रिजल्ट ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। अगर आप लोग अपनी मर्जी की किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। हाय एवरीवन, दिस इज़ आयशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेच मार्क्स रिड्यूस करने की 5 रेमेडीज़ बताऊंगी। स्ट्रेच मार्क्स यूजुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं या कुछ लोगों को वेट गेन की वजह से भी हो जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल प्रोसीड द वीडियो टू मूव ऑन टू द रेमेडीज। नंबर 1, लेमन जूस। फ्रेश लेमन जूस को स्ट्रेच मार्क्स पर सर्कुलर मोशन में 10 मिनट्स के लिए रब करें। 10 मिनट्स बाद गर्म पानी से वॉश कर लें। नंबर 2, शुगर एंड आमंड ऑयल। एक बाउल में 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून आमंड ऑयल मिक्स करें और इस मिक्सचर को मार्क्स पर रब करें। नंबर 3, पोटैटो। आलू की थिक स्लाइस काट कर अफेक्टेड एरिया पे कुछ मिनट रब करें और थोड़ी देर छोड़ दें। जब सूख जाए तो नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। नंबर 4, एलोवेरा। फ्रेश एलोवेरा प्लांट में से एलोवेरा जेल निकाल कर मार्क्स पर अप्लाई करें और 15 मिनट्स तक छोड़ दें, फिर गर्म पानी से वॉश कर लें। एंड द लास्ट, नंबर 5, ऑलिव ऑयल। स्ट्रेच मार्क्स पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से मसाज करें और 30 मिनट्स तक रहने दें। याद रखिएगा, ये काम टाइम कंज्यूमिंग है। स्ट्रेच मार्क्स आसानी से नहीं जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। ये रेमेडीज रेगुलर करें, इंशाल्लाह यू विल सी द डिफरेंस। Friends, if you find this video helpful, then like and share it. Share your experiences and inquiries with me in the comments. And to get updates about more tips and tricks, subscribe my channel and hit the bell button. Till my next video, take care. Hi everyone, this is Aisha. Welcome back to my channel. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन टू रिसीव मोर ट्रिक्स एंड हैक्स। आज की मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है फॉर एंड्रॉयड यूजर्स एंड फॉर आईफोन यूजर्स एज वेल। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना फ़ोन कहीं रख कर भूल जाते हैं या लॉस्ट हो जाता है। इन सब सिचुएशंस में ज़्यादा परेशानी तब होती है जब फोन मिल नहीं रहा होता और साइलेंट पर भी होता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम हैक्स दैट डेफिनेटली आर गोइंग टू हेल्प यू आर फाइंडिंग योर फोन नो मैटर वेयर एवर इट इज। सबसे पहले मैं एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बता रही हूँ, इसके लिए आपको जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और जीमेल अकाउंट तो सबके पास होता ही है, ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि आपका जीमेल अकाउंट आपको ऐसी सिक्योरिटी देता है जिससे आप अपना लॉस्ट फोन ढूंढ सकते हो। तो अब इसके लिए आप अपने फोन में सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें नीचे ऑप्शन होगा गूगल, इसमें जाके यहाँ पे ऑप्शन है सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे फाइंड माय डिवाइस में आपका ये ऑप्शन यहाँ पे ऑन होना चाहिए। ये ऑप्शन आप अपने मोबाइल में 24/7 ऑन ही रखें, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन आपने अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो इसे एक्टिवेट कीजिए। इसके बाद मैं इस फोन को फॉर एग्जाम्पल साइलेंट कर रही हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, देखें, मैंने ये साइलेंट कर दिया फोन को। अब इसके बाद इमेजिन कीजिए मेरा ये फोन लॉस्ट हो गया है, तो इसमें जो जीमेल अकाउंट है वो जीमेल अकाउंट आप किसी भी दूसरे डिवाइस से साइन इन करेंगे। इसके लिए आप किसी भी डिवाइस में क्रोम में जाके माय जीमेल अकाउंट लिखें। इसमें सबसे पहला माय अकाउंट पर क्लिक करें और यहां पर पहला वाला साइन इन एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करें।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है फाइंड योर फोन। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आपसे साइन इन मांगेगा। फ्रेंड्स, आप जब साइन इन कर लेंगे उसको, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आपके ये सारे रीसेंट फोन्स होंगे जो आपने यूज किए हुए हैं, जिसमें आपने अपनी जीमेल आईडी यूज की थी। तो इसमें जो फोन आपका आपने एट प्रेजेंट यूज किया और जो लॉस्ट है, उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट में, टॉप राइट में रिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसे रिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फोन जो साइलेंट पे था वो रिंग कर रहा है, इसे ना मैंने अभी बंद कर दिया है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गई है कि फाइंड माई डिवाइस ने इस डिवाइस को लोकेट किया था। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपना फोन अगर कहीं रखकर भूल गए हैं, साइलेंट पर है, या आपसे कहीं गिर गया है, कहीं खो गया है, तो इस ट्रिक से आप अपना फोन लोकेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिंग करने के अलावा अगर आपका फोन कहीं बाहर खो गया है, तो आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर लॉक योर फोन का ऑप्शन जो नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक यहाँ पर पासवर्ड सेट करना होगा कि जिसके भी हाथ आपका फोन लगेगा तो वो उसे इजीली ओपन नहीं कर सकेगा। और यहाँ पर आप एक मैसेज, शॉर्ट मैसेज छोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे है। देखें, यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज अपनी मर्जी का यहाँ पे छोड़ सकते हैं और अपना नंबर भी ऑप्शनल है, जो कि यहाँ पे डाल सकते हैं कि जिसे भी आपका फोन मिलेगा वो आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है। और इसके बाद आप अपना फोन लॉक भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आप अपना फोन लॉक कर देंगे। इससे ये होगा कि जिसके हाथ भी आपका फोन लगेगा वो आपका फोन इजीली ओपन नहीं कर सकेगा, ऑन नहीं कर सकेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपका कोई iOS डिवाइस लॉस्ट हो जाता है या आप कहीं रखकर भूल जाते हैं, तो उसे भी लोकेट करने का, फाइंड आउट करने का बहुत इजी तरीका है। इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग में iCloud आईडी में यहाँ फाइंड माई आईपैड ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। ये मैंने ये ऑफ रखा हुआ है ताकि आपको दिखाकर ऑन कर सकूँ। ये मैं यहाँ पर ऑन कर रही हूँ। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आएगा सेंड लास्ट लोकेशन, इसको भी आपको ऑन करना है। फ्रेंड्स, iOS का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई सेकेंड पर्सन अपनी मर्जी से आपकी लोकेशन अगर यहाँ पर फाइंड माई आईपैड पर ऑफ करना चाहे, तो वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसको ऑफ करने के लिए वो आपकी आईडी मांगेगा जो कि सिर्फ आपके पास होती है। यहाँ मैंने इसको ये ऑन कर दिया है। इसके बाद मैं अपना आईपैड साइलेंट कर रही हूँ, मैंने इसे साइलेंट कर दिया है। इसके बाद आप किसी भी डिवाइस से अपनी आईक्लाउड आईडी को साइन इन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये साइन इन मांग रहा है, आप इसको यहाँ पर अपनी आईडी साइन इन करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन की है। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस में यहाँ पे फाइंड आईफोन पर आपको जाना है। इसके बाद ये आपकी डिवाइस को लोकेट करेगा जो कि लॉस्ट है। यहाँ पर मैं अपने आईपैड को लोकेट कर रही हूँ और उसने बिल्कुल परफेक्ट मेरी यहाँ पर लोकेशन दे दी है। इसके बाद आप इसे रिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने एंड्रॉयड में किया था। मैं यहाँ पे प्ले साउंड पे क्लिक कर रही हूँ और ये देखें, ये मेरा आईपैड यहाँ पे रिंग कर रहा है नोटिफिकेशन के साथ, फाइंड माई आईपैड अलर्ट में। मैं यहाँ पे इसे बंद कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ट्रिक्स जिससे आप अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइसेस को, या जो आप लॉस्ट हो गए हैं आपसे, या आप कहीं रख कर भूल गए हैं और वो साइलेंट पर भी हैं, तो आप उसे मालूम कर सकते हैं कि आपने वो कहाँ रखा था, या उसे लोकेट कर सकते हैं इजीली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।
Hi everyone, this is Aisha tuning in with my very first video on my channel. इस वीडियो में मैं आपको ब्रोकन आई शेडो या ब्लश की पैलेट को विदाउट एनी केमिकल और एल्कोहल फिक्स करने का तरीका बताऊंगी. ठीक है, मेरे पास ये मैक की किट है जिसके अंदर मेरा ब्लश ये मेरे हाथ से एक्सीडेंटली गिर गया था और वो टूट गया था. सो लेट स्टार्ट. मैं पहले ये जो इस पाउडर को एक टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूं. मैंने ये सारा पाउडर इसमें निकाल लिया है. अब आप स्पून की हेल्प से इसके अंदर जो बड़े पार्टिकल्स पीसेस हों उसको आप अच्छी तरह पाउडर कर लो. मैं थोड़ा करके इसमें ये पाउडर डाल रही हूँ. मैंने ये सारा पाउडर इसमें डाल दिया है और अब मैं टिश्यू की हेल्प से इसे हल्का हल्का सा प्रेस करूंगी. याद रखिएगा कि इसके अंदर वेट टिश्यू बिल्कुल यूज नहीं होगा, ना इसमें वाटर यूज होगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी बाइंडर इंक्लूड होता है. ठीक है, इसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. मैं इसके कॉर्नर्स साफ कर रही हूँ ताकि हमारी किट थोड़ी क्लीन नजर आए. ठीक है, ये देखें, ये कम्प्लीटली सेट हो गया है. इसमें ना पानी की ज़रूरत है, ना इसमें रबिंग एल्कोहल की कोई नीड है. मेरे पास एक और किट का ब्राउन ब्लश भी था जो मैंने सेम मेथड से इसमें सेट कर दिया है. इस मेथड को यूज़ करके आप अपने फेवरेट कलर्स की कस्टमाइज किट भी बना सकते हो. फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम ट्रिकी टिप्स. टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर. Hi everyone, this is Aisha. Once again I'm here with a new video for you all. In today's video I'm going to share the trick of reading the deleted messages on WhatsApp. But before starting, subscribe my channel and tap the bell icon to be the first to receive my videos updates about more tips and tricks. Friends, thoda time pehle jab WhatsApp update hua tha to isme dusri changes ke saath ye changes bhi aaye the ki jo message aap delete kar dete ho wo second person ke paas se bhi delete ho jata hai और वो उसे रीड नहीं कर सकता. बट डोंट वरी, आई गॉट अ स्प्लेंडर सॉल्यूशन टू दैट. मैं आपको एक डेमो देती हूँ. मैं एक फोन से अपने फोन पर मैसेज सेंड कर रही हूँ जो नॉर्मली शो हो रहा है. ठीक है, उस मैसेज को अब मैं डिलीट कर रही हूँ. डिलीट फॉर एवरीवन. देखें, डिलीट हो गया है और यहाँ मेरे पास नोटिफिकेशन में भी डिलीट हो गया है, व्हाट्सएप पर से भी डिलीट हो गया है. ठीक है, तो इस डिलीटेड मैसेज को पढ़ने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है नोटी सेफ के नाम से. ये देखें, देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है. लेट्स ओपन. मैं परमिशंस ग्रांट कर रही हूँ. ठीक है,
यहाँ सेव नोटिफिकेशंस पे जाके आप अपनी मर्जी के एप्लीकेशंस पर नोटिस सेव को एक्टिवेट करेंगे। मैंने फ़िलहाल सिर्फ व्हाट्सएप पर एक्टिवेट किया है, ठीक है। अब आपका ये एप्लीकेशन रेडी है किसी भी रिलेटेड मैसेज को रीड करने के लिए। देखें, अब मैं दोबारा एक मैसेज सेंड कर रही हूँ जो यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ गई है और व्हाट्सएप पे भी आ गई है, ठीक है। मैं इस मैसेज को डिलीट कर रही हूँ तो वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, मगर नोटिस सेव में ये अभी भी है। मैं एक और मैसेज आपको सेंड करके दिखा रही हूँ, ये देखें, ये हेलो भी यहाँ पे आ चुका है, मैं इसे भी डिलीट कर रही हूँ। ये मैसेज, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो आपने मैसेज सेंड किया था वो स्टिल यहाँ पे सेव है, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई भी मैसेज आएगा किसी का भी, लेकिन अगर सामने वाला डिलीट कर भी देगा, ये देखें मेरे पास ये न्यू मैसेज आया है, मैंने इसे भी डिलीट किया, तो ये दिस मैसेज को डिलीटेड लिखा हुआ तो आ गया है, लेकिन आपके पास जो प्रीवियस मैसेज है वो आपके पास स्टिल सेव्ड है। तो इस तरीके से आप जब भी आपके पास किसी का मैसेज आएगा और सामने वाला का डिलीट कर भी देता है तो वो मैसेज आपके पास सेव रहेगा एंड यू विल बी एबल टू रीड दैट मैसेज। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और कॉमेंट्स में इस वीडियो के बारे में मुझे जरूर बताएं। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Hey there, welcome to my channel. Today I will share with you news about iPhone 11, iPhone 11 Pro and 11 Pro Max, with details, specs, release date and prices, so let's check it out. iPhone 11 Pro or Max buyers, everything you need to know about Apple's 2019 iPhones. Every feature you should care about, from a new camera lens to faster Face ID. Apple's new iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max are now on sale. But before you pre-order one of the three new phones, you'll want to know all about their most promising features and what they're missing compared to their rivals. Earlier this week, we spent some time with all three iPhones. Here's what we found, from the three cameras and matte steel casings of the iPhone 11 Pro, to what that midnight green color looks like in real life. The iPhone 11 Pro and Pro Max start at $699, $999 and $1,099, respectively. These new iPhones pick up a fresh palette of colors, longer battery life, and a A13 Bionic processor inside that promises faster performance. But more than any other feature, it's the camera hardware and software that take the headlining role. Keep in mind that we're holding off any final buying advice until we get a chance to fully test the phones, especially Apple's claims that battery life improves up to 5 hours over last year's models for the iPhone 11 Pro Max. Those three cameras on the back of the iPhone 11 Pro and Pro Max are Apple's biggest risks in a series that plays it safe this year. For many people, the iPhone represents the gold standard for smartphone design and cutting-edge features like Face ID unlocking, which Apple says is now faster than before. But despite bread-and-butter features, like support for Wi-Fi 6, the iPhone 11 trio fails to push the envelope, relying instead on the big camera change and smaller refinements to keep up momentum. There's number 5G carrier support, we expect that to come in 2020, and none of the reverse wireless charging that was rumored to charge the Apple AirPods, Apple Watch and other phones of the back of the iPhone 11, as you can with the Galaxy S10 and Note 10 phones. Apple also held back on rumored features like making the new iPhone 11s compatible with the Apple Pencil, and a USB-C port that was whispered to replace the Lightning connection. We already think that the best feature in the new base model, the regular iPhone 11, might be its price. Without a strong suite of new features to tantalize buyers, Apple has its work cut out for it as it heads into the hyper-competitive holiday season in 2020. Phone sales are down. Competitors like Samsung, Google and Huawei are pulling ahead on camera tools and features. And then there's the question of 5G. iPhone users will have to wait a full year unless Apple surprises us all with a special event before September 2020. The iPhone 11, 11 Pro and 11 Pro Max go on pre-order starting Friday, September 13th at 5 a.m. PT. They arrive in store on September 20th. Apple will continue to sell the iPhone XR for $599 and the iPhone 8 for $449. For now, take a look at everything important that the new iPhones have to offer.
You can catch up on everything else Apple announced here, from iOS 13's launch date to the brand new Apple Watch Series 5. Here's how the iPhone 11 phones compare to the iPhone X. You've heard that the midnight green shade is ugly, but photos don't do it justice. Chalk us up as fans, we think it's actually a standout color that looks alluring in person. We're not sure the surcharge from regular iPhone 11 to 11 Pro is worth it for these new finishes alone, but having that telephoto lens does help round out the feature set for the pricier models. What stood out most were the cameras and the telephoto lens, especially because that feels like the main difference between the iPhone 11 and the far pricier 11 Pro and 11 Pro Max. All three phones share most of the other features, at least so far as we could tell during our brief hands-on time with the phone. The new slow-mo video mode for the front-facing camera is fun, but not a must-have feature by any means. Still, we wouldn't be surprised if other phone makers cribbed this one. Swapping among the three camera lenses on the Pro and Pro Max feels seamless, and a new haptic touch feedback that Apple's using instead of 3D touch is pretty easy to invoke on the sharp new display, just hold down your finger. Rear cameras. Wide, ultra-wide, telephoto. The iPhone 11 Pro and 11 Pro Max are all about the camera. Competing brands are no stranger to the three camera system, or even four. But this marks Apple's first time pairing a wide-angle lens with both telephoto and ultra-wide-angle sensors. We're working up a camera deep dive for you soon, but what you really need to know is that Apple wants to make it as easy for you to switch from the main 12-megapixel camera lens to the 13-megapixel ultra-wide-angle lens to the 12-megapixel telephoto sensor, which you do from the main camera screen. Having used this type of system on other phones, like the Huawei P30 Pro and Galaxy Note 10 for example, it really can make photos more atmospheric or striking, especially landscape shots, when taken with the ultra-wide lens. Apple says it will fit in four times the amount of scenery compared to the main camera. On the flip side, a telephoto shot can make the difference between grabbing your picture or not, when you're too far to really see the face or detail you're trying to capture, because you're simply too far away. A concert, a cornice on a historical building, a celebrity behind a velvet rope. That sort of thing. Apple says it'll deliver a total of 4x optical zoom through its camera system, though the telephoto lens is specced out for 2x optical zoom. Dedicated night mode is another thing that's become a base feature in premium phones. It's intended to make details brighter and reduce noise in low-lit conditions. But the most interesting feature, which we won't see at the iPhone 11's launch, it'll come to all three phones, is Deep Fusion, which takes the best features from 9 different images that the iPhone automatically takes. It uses machine learning to combine these disparate shots in a second, then serve up a compilation with sharper details than you'd get if you took it yourself. That's the theory, anyway. The last feature we can't wait to try out is slow motion video for the front-facing camera, but maybe that's just so we can say we new iPhone 11 Pro and Pro Max key specs. Two screen sizes. 5.8 and 6.5-inch OLED displays, both 458 pixel density. Super Retina XDR display supports HDR10 with Dolby Vision and Dolby Atmos sound. Phone body. Textured matte finish. 64 GB. 256 GB, 512 GB storage capacities. Three rear cameras with 4x optical zoom. Wide, ultra-wide, telephoto lenses, OIS for wide and telephoto. Upcoming camera feature called Deep Fusion compiles 9 images to reduce noise and amp up details. 4 hours more battery life, Pro, and 5 hours longer battery life, Pro Max, than last year's models. Faster Face ID unlocking. Wi-Fi 6 support, but number 5G 4K video for both front and rear cameras, with slow motion video for the selfie camera, aka Slofies. New portrait lighting effect. Monochrome. iOS 13 on board, with system-wide dark mode. Fast charging adapter. Colors. Midnight green, space gray, silver, gold. iPhone 11 Pro starts at $999 or $25 per month, with trade-in, £1,049, AU $1,749. iPhone 11 Pro Max starts at $1,099 or $29 per month, with trade-in. What's new in the iPhone 11? 6 colors. Black, white, yellow, purple, green, product red. A13 Bionic chip. 64 GB, 128 GB. 512 GB storage capacities. Hour more battery life than iPhone XR. Faster Face ID unlocking. Wi-Fi 6 support, but number 5G dual camera system with a 12-megapixel lenses. Wide and ultra-wide, switch by tapping on the screen.
camera night mode, 2x optical zoom, new portrait lighting in monochrome, 12 megapixel front facing camera, up from 7 megapixels, 4K video for both front and rear cameras, with slow motion video for the selfie camera. iOS 13 dot starts at $699 or $17 per month with trade-in, £729, AU $1,199. Will the iPhone 11 Pro and Pro Max reinvigorate Apple's iPhones, or will excitement flag? Stay tuned as we weigh in on Apple's announcement and go hands-on when we see Apple's new iPhones after the event. Thanks for watching. If you liked this video, then we'll be right back.
Hey there everyone, this is Aisha, tuning in today with another video for you all. Friends, आज की वीडियो में भी मैं आपसे अपनी लास्ट वीडियो की तरह एक बहुत मुजरब वजीफा शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आज जो वजीफा मैं आपको बताऊंगी वो इस सिलसिले में पढ़ा जाता है कि जब कोई मुश्किल पेश आई हुई हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, नामुमकिन को मुमकिन करना हो, सेहत के लिए, शादी की रुकावट दूर करने के लिए, बे औलादी के लिए, रिस्क में कुशादगी के लिए, जादू बंदिश ख़त्म करने के लिए, कर्ज की परेशानी ख़त्म करने के लिए, यहाँ तक कि छोटी से छोटी परेशानी भी हो तो इसके लिए ये वजीफ़ा बहुत मुफीद है। इस वजीफे में सारा कमाल सूरह फातिहा का है। दोस्तों, सूरह फातिहा की फजीलतें तो कौन नहीं जानता। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मलफूजात से नकल है कि सूरह फातिहा की 7 आयात हैं और इंसानी जिस्म के 7 बड़े आज़ा हैं। जो सूरह फातिहा पढ़ेगा उसके 7 आज़ा दोज़ख से महफूज रहेंगे। अल्हम्दु के 5 हरूफ हैं और दिन रात की नमाजें भी 5 हैं। जो अल्हम्दु पढ़ता है अल्लाह ताला 5 नमाजों में जो गलती सरजद हुई हो उसे माफ़ फरमाएंगे। इसी तरह अल्लाह के 3 और अल्हम्द के 5 हरूफ मिला के टोटल 8 हरूफ बनते हैं। जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह का वर्द कर रखता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। दोस्तों, ये थी सूरह फातिहा की कुछ फजीलतें। अब हम वजीफे की तरफ चलते हैं कि कैसे सूरह फातिहा के इस छोटे से अमल से अल्लाह ताला हमें कितनी छोटी बड़ी मुश्किलों से महफूज रखते हैं और हमारी कितनी हाजतें भी पूरी होती हैं। इस वजीफे को नौ चंदी का वजीफा भी कहा जाता है, यानी कि नए चांद का वजीफा, क्योंकि ये वजीफा इस्लामी महीने के शुरू से पढ़ा जाता है। ये वजीफा इस्लामी महीना जब शुरू हो तो उसके पहले इतवार से शुरू होता है और फजर की नमाज के दरमियान पढ़ा जाता है। तरीकाकार ये है कि इतवार की सुबह फजर की नमाज में 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद 11 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 70 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर 2 रकात फर्ज अदा करनी है। इसी तरह अगले दिन फजर में 60 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर इसके बाद 50 बार, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और आखिरी दिन 10 बार पढ़नी है। ये वजीफा 7 दिन का है और हर रोज़ सूरह फातिहा की तादाद में 10 कम करके पढ़नी है। इस तरह ये वजीफा इतवार की फजर से शुरू होकर अगले वीक के हफ्ते की फजर में ख़त्म होगा। रोज़ ये अमल करके खूब दिल लगाकर दुआ मांगें। याद रखें, कोई भी अमल जितने यकीन और ईमान के साथ किया जाता है उतना ही फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदे से उसके ईमान के मुताबिक मामला फरमाते हैं। सूरह फातिहा का एक और अमल भी मैं आपको बता देती हूँ जो इसी वजीफे से मिलता जुलता है। करना ये है कि जुमेरात की रात यानी शब जुम्मा को रात सोने से पहले कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ताक अदद में पढ़ें, पहली शब 70 बार पढ़ें सूरह फातिहा को, दूसरी शब 60 बार, तीसरी शब 50 बार, चौथी शब 40 बार, पांचवी शब 30 बार, छठी शब 20 बार, सातवीं शब 10 बार पढ़ें। फिर अगली शब जुम्मा से दोबारा ये अमल शुरू कर दें जब तक आपको आपका मकसद हासिल ना हो जाए। इस अमल को करते हुए जगह और वक्त एक ही मुकर्रर कीजिएगा। अगर कोई मजबूरी हो तो कोई बात नहीं, और हर दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़िएगा। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।